हेलो डियर व्यूअर्स, आप अगर क्लास 10 और 12 का एग्जाम देकर घर पे बैठे हैं तो आपके मन में कंपार्टमेंट एग्जाम को लेके काफी सवाल आपके मन में खड़े हो रहे होंगे। कंपार्टमेंट एग्जाम आप सभी को पता है कि जुलाई में हर साल होती है, पर जैसा कि कोरोना वायरस के चलते इस साल काफी सारे एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, तो क्या इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम होगा? क्या कोई बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में फेल करता है तो उसे एक साल इंतजार करना पड़ेगा? आप सबके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का जवाब मिल चुका है हमारे एक स्कूल के टीचर से। तो कंपार्टमेंट एग्जाम जो है गाइज, ये 100% होगा सितंबर में। इसके जो डेट आने वाले हैं जुलाई के एंड में आपको डेट मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी राहत भरी खबर ये भी है हमारे लिए, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, कि इस साल के अगले, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे आपके जो परसेंटेज है इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले बच्चों का, तो बहुत ही ज़्यादा कम है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस साल बहुत ही कम कंपार्टमेंट एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप घर पे ये सारे नेगेटिव थॉट्स लेके बैठे हैं कि मेरा कंपार्टमेंट एग्जाम आ जाएगा वगैरह वगैरह, तो ये सब खामखा बेकार का फालतू का टेंशन है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका ये सब्जेक्ट बुरा गया है तो आप घर पे उसे स्टडी कर सकते हो बिना कुछ टेंशन लिए, क्योंकि आप सबको एक चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि इस बार ऑप्शनल एग्ज़ाम भी है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे कि अपने जो एग्ज़ाम के लिए वो लोग घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर उनका एग्ज़ाम वो लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे तो दोबारा एग्ज़ाम देंगे। तो आप लोग क्यों नहीं दे के अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हो? सो बस ये छोटी सी वीडियो में मैं आप सबको इतना ही कहना चाहता था। सीबीएसई से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे आती रहती है। नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा के कमेंट जरूर कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।